पहले तो मैं आलस कर रही थी कौन इतनी मेहनत करेगा फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं ट्राई करते हैं तो चलो किचन में चलते हैं मैं आपको अरबी के पत्ते की भुजिया या सूखी सब्जी या जो भी सब्जी है जिस जिसको पसंद है तो मैं चलो आपको बनाना सिखाती हूँ मिलते हैं किचन में यहां देखिए गाइज मैं आ गई किचन में ये है अरबी के पत्ते ये आए आए हैं कुछ बं में पर गाइज ये फ्रेश पत्ते नहीं है काफ़ी दिनों के रखे हुए पत्ते मार्केट से आए हैं अगर ये फ्रेश होते तुरंत से टूट के आते मतलब खेत से या जहाँ भी ये उगते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता अभी मैंने इनको इनका बंडल ओपन कर लिया है तो इसमें सब टूटे फूटे से हैं और ये जो डंडी है इसकी मोटी डंडी को हमको निकालना होता है क्योंकि ये टेस्ट नहीं टेस्ट ख़राब कर देती है तो मैंने जो अच्छे अच्छे थे साफ साफ थे वो निकाल लिए और बाकी सब हटा दिए हैं अगर यही सब्ज़ी आप फ्रेश पत्ते जो तुरंत से टूट के आते हैं उनकी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है अभी मैं इनको वॉश कर ले रही हूँ एक एक पत्ते को बहुत अच्छे से वॉश करना है कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो या फिर गंदगी ना हो क्योंकि इतने इस ऐसे तरीके से चिपके हुए होते हैं रैप होते हैं तो पता नहीं चलता इसमें क्या है इस तरीके से आप सभी पत्तों को धो लीजिए पहले अब ये सारे पत्ते मैंने धो लिए हैं अब धोने के बाद मैं इनको थोड़ा सा एक थाली में या प्लेट में मैंने रख दिया है अब मैं बना रही हूँ इनके लिए खोल जो इन इन पर स्प्रेड करूँगी मैं ये सारे मसाले हैं नॉर्मल वाले द, मतलब मिर्ची हल्दी धनिया नमक अजवाइन हल्की सी एंड हींग हींग डालना गैस इसलिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी बेसन ना बहुत मतलब आ, पेट वगैरह में नुकसान करता है तो थोड़ी सी हींग डालना ज़रूरी होता है और बी के पत्ते भी थोड़े से वैसे होते हैं तो किसी को डाइजेस्ट ना हो तो इसलिए हिंग डाल दीजिए ये मैंने बेसन को छान लिया उसमें है उसमें नॉर्मल मसाले हैं सारे डाल दिए हैं थोड़ा थोड़ा आपको जितना अच्छा लगता उतना है उतना डालिए मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ और थोड़ी सी अजवाइन डालिए बहुत ज़्यादा मत डालिए जरा सी पिंच ऑफ और इसमें पानी थोड़ा डाल के देखिए और इसको थोड़ा सा मिलाइए पानी हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है मतलब गाढ़ा सा बैटर बनाना है जिससे कि ये इसके पत्तों पे चिपक जाए तो मैं आराम से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ जिससे बैटर अच्छा बन जाए तो ये देखिए इस तरह का बैटर हमको बनाना है पतला बैटर नहीं बनाना है क्योंकि पतला बनाएंगे तो पत्तों पे चिपकेगा नहीं और क्योंकि हमें पत्तों पे लेयर्स में इसको चिपकाना है एक पत्ते के ऊपर लगा के फिर एक पत्ता रख के फिर दूसरा उस पर लेयर करके लगाना है इसलिए हमें ऐसा ही बैटर चाहिए ये देखिए मैंने एक पत्ता एक प्लेट में लगा लिया है और यहाँ पर ये इसका बेसन का घोल है वो चिपका दिया है मतलब फैला दिया है अब एक तो मेरे हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में ना एक हाथ से ही काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए समझने की कोशिश करिए पर आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मैंने एक पूरे पत्ते पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है तो अब इसके बाद मैं इस पर दूसरा पत्ता भी लगाऊंगी इसी के साइज़ का या फिर छोटे हों तो दो लगा दीजिए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पहले मेरी मम्मी बनाती थी तब मैं सोचती थी पता नहीं कैसे बनते हैं क्या बनते हैं बट देखते देखते मुझे समझ में आ गया तो देखिए मैंने इसके ऊपर इसके साइज़ का ही दूसरा पत्ता लगा दिया है इस पर भी मैं बेसन को स्प्रेड कर रही हूँ मतलब फैला रही हूँ अब आप तीन लेयर बना सकते हैं चार लेयर बना सकते हैं ये आपके ऊपर है डिपेंड करता है कि आपको कितनी लेयर्स में ये बनाने हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार बनाएं इससे ज़्यादा लेट बनइए नहीं बनाइए अब इसे धीरे धीरे करके रैप कर दीजिए और ये इसके ऊपर जो थोड़ा सा बेसन आ चारों तरफ लपेट दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं तो इस तरीके से सारे जो पत्ते हैं उन पर आप ऐसे स्प्रेड कर करके सारे बंच बना लीजिए मतलब रोल बना लीजिए और सारे जब रोल बन जाएंगे तब इसके आगे का प्रोसेस है देखिए एक ये एक रोल बन गया ये थोड़ा लूज रोल है आगे से आप थोड़ा सा टाइट बनाइए ताकि ये खुले नहीं वैसे खुलते तो नहीं है ये देखिए मैंने सारे रोल कर लिए हैं देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं <laughs> मैं थोड़ी सी आलसी नहीं काम तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी गरम करने रख दिया था इसमें मैं एक छलनी रख दे रही हूँ क्योंकि इनको हमें स्टीम करना है मतलब स्टीम में पकाना है जैसे मोमोज होते हैं ना वैसे ही स्टीमर है हमारे घर पर पर वो कोई बात नहीं मैं तो इनको ऐसे ही पकाती हूँ मम्मी पकाती थी इसलिए मम्मी ने मम्मी को मैंने ऐसे ही देखा है बनाते हुए तो देखिए ये मैंने सब एक एक करके इस पर अच्छे से रख दूँगी और बहुत से लोग ऑयल भी लगा के रखते हैं जैसे कि इसे चिपके नहीं बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप चाहे जैसे रख सकते हैं मैंने तो नॉर्मली रख दिया ऑयल लगाया भी नहीं है ये आठ दस रोल बन गए थे तो बस बाकी पत्ते खराब थे तो मैंने फेंक दिए थे पर जिस किसी के आसपास भी अगर खेत और भी की पत्तों का या जो भी है तो वहाँ से फ्रेश पत्ते और न्यू पत्ते लीजिए तो और अच्छी बनती है हमारे पास तो ये रखे हुए पत्ते थे तो मैंने बस इसको ढक के रख दिया गैस को बहुत मतलब सिम से मतलब कम से थोड़ा सा ऊपर किया ज़्यादा हमें तेज़ आंच पे मतलब तेज़ गैस पे नहीं पकाना है इनको और एक पाँच मिनट बाद इनको आप पलट दीजिए क्योंकि हमें एक साइड से तो पकाना नहीं है दूसरा साइड भी पकाना है तो एक साइड से ये पक चुका है तो मैं इसे धीरे धीरे गर्म है तो मैं इसे चाकू से पलट दूँगी क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है तो थोड़ा गड़बड़ रहती है मेरे वीडियोस में तो ये देखिए ये मैं चाकू से थोड़ा थोड़ा हल्का सा पलट रही हूँ क्योंकि दूसरे साइड से पकना भी ज़रूरी है तो बस फिर पाँच मिनट के लिए और रख दीजिए सिम गैस पर ही तो ये आराम से पक जाते हैं तब तक आप अपना कोई भी और दूसरा काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि इन्हीं को लेकर बैठे रहिए ठीक है बट ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कुक हो जाए और आपको याद भी ना रहे तो बस मैंने ये दोबारा रख दिए थे ये दोबारा हो चुके हैं तो मैंने ये इनको देख लिया है अब मैं इनको एक चाकू से इसको काट के देखूंगी कि ये जो पत्ते हैं हो चुके हैं तो देखिए मैंने काट के देख लिया है हो गए हैं तो बस अब इन्हें मैं गैस से हटा लूँगी देखिए स्टीम से बहुत जल्दी पक जाते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये मैंने यहाँ पर छलनी को इधर रख दिया ठंडा होने के लिए लेकिन फिर भी मैंने प्लेट में निकाल लूँगी कि दूसरे साइड से थोड़ा सा पानी रहता है इनमें तो थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद में इनको काटूँगी और काटने के लिए ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में काट सकते हैं मैंने तो गोल शेप में ही काटा है कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको जैसे सही लगे देखिए मैंने यहाँ पर इनको उल्टा करके रख दिया क्योंकि जो उनका नीचे का साइड था हल्का सा स्टीम से गीला रहता है इसलिए इनको थोड़ा सा ऊपर से सूख जाना सूख देना सूखने देना चाहिए सॉरी तो अब मैं सभी को एक दो मिनट के लिए सूखने दूंगी उसके बाद मैं इनको कट कर लूँगी देखिए कैसी लेयर्स आई हैं बहुत ही प्यारी लेयर्स आई हैं अब मैं ऐसे ही करके सबको धीरे धीरे कट कर लूँगी और पत्ते अगर और अच्छे होते तो और अच्छा सा मज़ा आता लेकिन कोई नहीं इसमें भी अच्छी लेयर्स आई हैं डिपेंड करता है आप उसको भरते कैसे हैं ठीक है तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली कट जाते हैं कोई टफ़ काम नहीं है बहुत ही मज़ा आता है ऐसे डिज़ाइंस जब बनते हैं ये देखिए मैंने ये सारे कट कर लिए हैं चाहो तो आप इनको पकोड़े के पकौड़े भी बना सकते हो जैसे अभी ये हमने कर लिए आप बेसन का घोल बना लीजिए हल्का सा पतला सा और उसमें डिप करके आप पकोड़े भी तल सकते हैं और चाय वगैरह के साथ इंजॉय करिए तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने इसमें से कुछ बचा के रख दिए हैं फिर किसी और दिन चाय के साथ पकौड़े बनाऊँगी ये मैंने ऑयल ले लिया सरसों का तेल लीजिए वो ही बेस्ट रहता है आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टीम होते हैं और प्याज लहसुन हरी मिर्च आप कट कर लीजिए और हल्का सा अजवाइन डाल लीजिए ज़्यादा नहीं हल्का सा और ऑयल भी कहते हैं इसमें पानी नहीं लगाते हैं तो पानी की जरूरत ही नहीं होती है थोड़ा सा ही तेल लेना होता है हमको क्योंकि ऑलरेडी ये स्टीम होते हैं तो जरा सी मतलब ऑयल में पक जाते हैं अब ये मैं प्याज लहसुन को लाइट ब्राउन होने तक भून लूँगी तो ये अच्छे से जब भून जाएंगे तो उसमें वही नॉर्मल मसाले जो हम खाते हैं वो हल्दी नमक मिर्ची जो कुछ भी है लेकिन गाइज कम डालिए क्यों क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें अंदर भी भर के डाल चुके हैं तो बहुत कम डालिए जिससे कि ऊपर से ओवर कोटिंग मसालों की हो जाए ज़्यादा हमको नहीं डालना है तो अब ये हल्का सा मैंने इसको कोट मैं सॉरी हल्का सा मैं इनको चला दिया है और इसको दो मिनट के लिए गैस पे रख दीजिए कम गैस पे और फिर पलट के दो एक दो एक मिनट में देख लीजिए क्योंकि इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं होता ऑलरेडी ये बने पके हुए होते स्टीम से तो ये बन के तैयार हो गए हैं यम्मी से मज़ेदार इसमें नींबू डाल के खाइए आप चाहें तो ऐसे ही खा लीजिए चाहे तो रोटी पराठे से खा लीजिए और जैसे मैंने बताया था आप पकौड़े तल के भी खा सकते हैं तो खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है थोड़ी सी मेहनत है ज़्यादा भी नहीं है कर लो तो बहुत अच्छे लगते हैं हाँ तो गाइज ये है मेरा लंच टाइम तो बस ये अरबी के पत्ते की भुजिया सब्जी जो भी आप समझते हैं कह सकते हैं ये खा लीजिए मेरी तरफ से फर्स्ट बाइट फॉर यू आप भी ऐसे बना के देखिए मेरे तरीके से आपको मज़ा आएगा यहाँ देखिए गाय ये हो रहा शाम का टाइम मैं बना रही हूँ चाय दूध हो गया तक ख़त्म बहुत कम दूध रह गया था तो मैंने उसी में रख दी है और ये थोड़ी सब्ज़ी बची थी उसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ क्योंकि सारी ख़त्म ही हो गई मुझे मैंने तो थोड़ा सा खा ही ली थी मम्मी ने भी खा ली थी और मोना ने भी खाई थी उसको भी थोड़ी अच्छी लगी थी मैंने आज एक क्वेश्चन डाला था अपने व्हाट्सअप पे सबसे पूछा था कि ये सब्ज़ी कौन सी है तो कुछ लोगों ने तो सही बता दिया था मेरे भाई ने सही बताया था वो मैंने कहा ओके यू आर इंटेलिजेंट सो वो बोल रहा था कि आपका ही भाई हूँ मैंने कहा ओके okay. और चुन्ना बता रही थी भाकरवाड़ी की सब्जी है और एक एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि प्याज की सब्जी है तो सबको जैसे समझ में आया सब ने बताया पर मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में तो बस अब मैंने हैंड वॉश कर लिया मेरी आदत है कि कुछ भी काम करती हूँ हैंड वॉश पहले करती हूँ चाय बनाने में रख जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास मम्मी बैठी है बाहर यहाँ मैंने पंखा चला दिया लाइट आ गई है और क्योंकि इन्वर्टर से ये पंखा चलता नहीं है सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं शाम का सर टाइम हो रहा है उधर मेरी चाय ना गाए थोड़ी सी थी वो भी बहुत काली बन गई तो पीने का मेरा मन नहीं किया मम्मी बैठी है मैं भी बैठ गई हूँ और यहाँ पर वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि अंधेरा सा हो रहा है तो एडजस्ट करिए और ये हो रहा है शाम का टाइम ऐसा लग रहा है बारिश होगी क्या और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए